और काफूर अपने पास रखा, एक अपनी बेटी जहरा को दिया, एक अली मुर्तजा को दिया, दो हसन को दे दिया, नन्ना शहजादा हुसैन नाना के पहलू में बैठा रहा, जब कसम मंगदा उठे रोते हुए आए, माँ के कानों में आवाज टकराई, बेटा हिस्किया और सिस्किया लेके रो रहा है, माँ की ममता तड़पी, आवाज थी मेरे लाल हुसैन रोते क्यों हो, का अम्मा देखा नहीं आपका बेटा गरीब है, उसे कफन न मिला, लेके बाबा के पास आई, बाबा मेरा हुसैन रो रहा है, पैगंबर भी रोने लगे, आवाज थी जहरा तेरे दो बेटे हैं दोनों गरीब है, एक को दो कफन इसलिए दे दिया, एक बार जब जनाजा मेरे पहलू में लाया जाएगा उम्मत को बर्दाश्त न होगा, जनाजे पे तीर बरसाए जाएंगे, दोबारा कफन पिसाया जाएगा, ये जहरा तेरा ये बेटा हुसैन करबला में इसे पसे गर्दन जिभा किया जाएगा, तेरे इस बेटे को कफन न मिलेगा, सुन लीजिएगा सूरा वालों, तेरे इस बेटे को कफन न मिलेगा, ये सुनकर जहरा रोने लगी, अबे कयामत बर्पा हुई थी कि एक मर्तबा हुसैन के हिस्से की बहन दौड़ी हुई ज़ैनब आई, भाई का बाजू पकड़ा, भैया आंसू न बहाओ, ए भैया सब मौजूद है दुआ करवा दो, सुन ज़ैनब पास मौजूद हो, ज़ैनब उस वक्त पास मौजूद हो, दुआ करवा दो भैया, अरे पैगंबर ने कहा ना ज़ैनब ये दुआ न करवाना, मौजूद तो रहोगी मगर क्यों, कहा ए नाना अगर भैया को कफन न मिला तो ज़ैनब रिदा दे देगी, हाय ग्यारह मुहर्रम भाई का लाशा बेकफन पड़ा है, ज़ैनब के सर पे चादर भी नहीं है, ये मजलूमियत है मजलूमियत, जरा सोचो एहसास करो, अगर ये शबीर ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है, अगर ये न होता तो खैमे पे कौन बताता, सकीना इंतजार न करना, उमर आस तारीख के करबला में हुसैन के लाश के गिर्द यही हुसैन का पिता वफा था, जो हुसैन के लाश का तवाफ कर रहा था, लाइनों ने हमला किया, एक मलूर कहता खबरदार ये रसूल की सवारी है, इसने कई गवासिले जहन्नम किया, कहा ठहर जाओ जरा देखे तो ये करता क्या है, इसे जब यकीन हो गया कि मेरे आका ने मेरा साथ छोड़ दिया, इसने अपनी पेशानी के खून मली, खून मलने के बाद खेमे की तरफ दौड़ता हुआ गया, इसे पता था हुसैन की चार बरस की बेटी इंतजार कर रही होगी, आते हुए पुष्प सुलझना को जब देखा दौड़ी हुई आई, कदमों से निपट गई, बाहें डाल दिया, तुझसे कहती थी ना मेरे बाबा को न भेजा, ये बता किसके सीने पे सोऊंगी, अल्लाह हो पर नौजी तो वही सुलझना वही बाबा था वही हुसैन की सवारी, आपके दरमियान ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है, सरो सीना पीटो मातम करो, ए सुलझना तूने इस घर को आबाद भी देखा था, करबला में ज़हरा के लाल की गुर्बत भी देखी है, आहिस्ता 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 कहीं ऐसा ना हो एक बीबी के रोने की आवाज आ रही होगी, हाय मेरा बाबा मारा गया, ए सुलझना ज़हरा की आवाज आ रही होगी, अरे तेरे पुश्त मेरा लाल जख्मों से चूर है, माँ दामन फैलाए बैठी है, ना मेरे नाम को मेरी आहोश में दे दे, अल्लाह हु अकबर, अरबाब अज़ा आपके सामने शबीह ताबूत और सुलझना की आपने ज़ियारत कर लिया, अरबाब अज़ा अजान का वक्त करीब है, बस मैं इतना कहूंगा पर्दा हटने वाला है, बस जैसे ही पर्दा हट जाए बिल्कुल वक्त नहीं, अजान करीब है, मैं एक जुमला सुन लीजिए, रिवायत के इंतजार न कीजिए, इतना सुन लीजिए, जैसे पर्दा हटेगा आपके सामने जिंदा नजर आ जाएगा, मैं इतना याद रखना, इसी जिंदा में एक वक्त भाई ने हथकड़ियों वाले हाथों से अपनी बहन का जनाजा उठाया था, बहन आवाज दे रही थी हाय मैं तो चाट कह रहे थे मजबूर हूँ बहना तुम्हें दफना नहीं सकता, कहती हूँ सकीना मैं दफन ला नहीं सकता, ताबूत उठाने को ना कब्र है ना अब्बास, मैं अहले वतन को यहाँ बुलवा नहीं सकता, बहना इन्हीं कुर्तों में तुम्हें दफन करूंगा,
वतन ला नहीं सकता। हाय जब ये बच्ची मर गई, रबाब तोड़ी, हाय मेरी सकीना। सच्चा उतने आवाज दिए बहन, तुझे देख के तेरा भैया जिंदा था। अजब नहीं नन्नी सी तुरबत से आवाज आ रही हो, ए भैया मदीने जाना तो कह देना मदीने, तुझे सकीना ने बहुत याद किया। हाय जब मदीने जाना तो सुगरा से कह देना, ए सुगरा अच्छा हुआ तू कर बना नाई। हाय सकीना ने चार बरस में बाबा को सिभा होते देखा, हाय बाजारों से गुजरी किसी ने रहम न किया। तमाचों के निशान आहिता आहिता एक सहमी हुई मासूमा है, जिसके रुखसार पे तमाचों के निशान है। एक मासूमा है जिसे रुलाया गया है, जिंदान में सज्जाद दफन कर रहे होंगे। हाय जब कैदी रुखसत हो रहे होंगे तो शायद ये मासूमा कह रही हो, ए भैया सज्जाद जा तो रहे हो मगर इतना वादा करो हमारी तुर्बत पश्चिम न आने पाए। इसलिए किसने तमाचे मारे हैं, शाम में एक मारो रोके कहती थी, ए शाम की औरतों मैं जा तो रही हूँ, मेरी बच्ची को मेरे से डर लगता था। हाय यहाँ चिराग रोशन कर देना, दिल चाहता है उस माँ की खिदमत में हाथों को जोड़ के अर्ज करूँ, ए रबाब तेरे अरमानों की खिदमत में ये सोगवार हाजिर है। बीबी आज की ये शाम जिंदा ने शाम जादे सकीना बिंतुल हुसैन है। बीबी अपनी बेटी की पैसा ले लो, हाय बोला जिसकी बेटी की चादर छीन ली गई, जिसने बाबा को देखा था बड़े शोक से कुंदे पहनाए थे, लेकिनों ने वो कुंदे छीन लिए, मगर सलाम हो उस माँ के ऊपर जिसके हाथ पर से पुष्ट बंद हो गए, जो अपनी लाडली को कलेजे न लगा सकी। हाय जब आजाद हुई तो तुर्बत पे आई है, हाय माँ क्यों कर लौट के जाए जब तू उसी तुर्बत में है। आज भी कैद खाने से उस बीबी की आवाज आ रही है, बाबा सब रिहा हो गए मगर तेरी सकीना आज भी जिंदा है। अल्लाह।